हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अमित कपूर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू मंथली फोरकास्ट मंथ फ्रॉम मार्च 2018। माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन, नॉट फॉर योर मून साइन एंड नॉट फॉर योर जॉडिक साइन। लेट्स स्टार्ट फॉर द जेमिनी असेंडेंस। फॉर जेमिनी असेंडेंस मार्च 2018, गाइज आपके लिए मार्च 2018 सबसे पहले बात करेंगे डायनेमिक्स की। 2 मार्च को वीनस आपके 9th हाउस को छोड़कर आपके 10th हाउस में एग्जाल्टेड पोजिशन में ट्रांजिट करेगा, जो कि 26th मार्च तक करेगा। 3 मार्च को आपका रूलिंग प्लैनेट मर्करी अपने डेबिटेटेड साइन पाइसिस में 10th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा। बट प्लस पॉइंट ये है कि मर्करी का वीनस के साथ कंजक्शन है आपके 10th हाउस में ट्रांजिट में, और ये नीच भंग योग का निर्माण कर रहा है। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए मंथ बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई फेम है, प्रोस्पेरिटी है, फाइनेंशियल टाइप्स बड़े अच्छे हैं, आपको अर्निंग आपके बिजनेस से बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने सीनियर्स के साथ बहुत बढ़िया चलेगी, कलीग्स उनको पूरी हेल्प करेंगे। गाइज, ओवरऑल अगर फाइनेंशियल टाइप और बिजनेस को देखूं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। मर्करी का आपके असेंडेंस से 10th हाउस में प्लैनेट वीनस के साथ कंजक्शन में ट्रांजिट करना, गाइज अगर आप कुछ पुराना काम आप हाथ में लेके चल रहे हो पिछले काफ़ी समय से, वो इन दिनों में आपका क्लिक होगा। आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस इस मंथ में आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक, जिसको बोलते हैं, एक नई तरह की एक लाइफ आपके फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी, और आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होंगे। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक वीनस का एग्जाल्टेड पोजीशन में आपके 10th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। जो लोग बिजनेस में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो गाइज उनको मैं एडवाइस दूंगा, ये सोचने का नहीं, कुछ करने का पीरियड है। अब ऐसी कौन सी चैंटिंग है, ऐसा कौन सा रेमेडी है जिससे इस मंथ में हमारी स्ट्रगल में और ज़्यादा अच्छे हमें स्ट्रगल से रिजल्ट मिले और हमारा फॉर्चून बहुत बढ़िया रहे। गाइज आप लोगों के लिए ओम गण गणपताय नमः का मंत्र जाप करना मार्च 2018 में बहुत ही पॉजिटिव है। इसके अलावा क्या रेमेडी की जाए, तो वेनसडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन आप जितनी ज़्यादा गणेश भगवान की वर्शिप करेंगे, गणेश चालीसा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। 4 kg मसूर की दाल और गुड़, ये मिक्स करके चलते पानी में बहाना या मंदिर के बाहर गरीब लोगों में डोनेट करना आपके लिए सारे महीने में बहुत पॉजिटिव रहेगा। नो मोर अबाउट दिस मंथली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।